हेलो दोस्तों, मैं गोपी हूँ। आप सभी का सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं गोपी कैलिफोर्निया में रहता हूँ। यहाँ पर इस शहर के अंदर मैं यहाँ पर जब आया था अपने गांव से, तो यहाँ पर मेरे पास में एक छोटा सा घर था, और आज देखो कितना बड़ा घर है मेरे पास में। मेरे पास में क्या नहीं है, म्यूजिक है, देखो यहाँ पर बुक्स लाइब्रेरी है, और ये देखो कितने अच्छे अच्छे अवार्ड मिले हुए हैं मुझे। और इधर मेरे साइड में देखो, यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए दारू है, टेबल्स है इतना अच्छा, और इधर फ्रूट्स है मेरे पास में, ये डिनर टेबल है, इधर किचन है, यहाँ पर कुछ भी बना के खा सकता हूँ यहाँ पे मैं। और उसके अलावा मेरे पास में नीचे एक बेसमेंट भी है, वहाँ पर मेरा डाइनिंग रूम भी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा शानदार मेरे पास में घर है एक, और मैंने ये घर बहुत ही मुशक्कतों से कमाया है। यहाँ पे मैं यहाँ पर जब आया था छोटे मोटे काम करता था, मगर जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होगा, तब मैंने चोरी चकारी, लोगों को मारना, ये सब शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं मर्डर सुपारी सब लेता हूँ, मर्डर करता हूँ थोड़े थोड़े पैसों के लिए, सब कुछ करता हूँ। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा स्विमिंग पूल है यार, देखो मेरे पास में कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, देखो यहाँ से जंप मारूंगा मैं, देखो यही देखो शानदार स्विमिंग पूल है भाई मेरे पास में। और यहाँ पर सुबह सुबह रोशनी आ रही है सूरज की, भाई बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है। और मेरे पास में एक बहुत ही सुंदर डॉग पेट है मेरे पास में, यहाँ पर कहाँ है ये बैठा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शानदार कुत्ता है मेरे पास में। और बेसमेंट में भी तुम्हें जाके दिखाता हूँ कितना अच्छा बेसमेंट है मेरे पास में। ये दोस्तों ये मेरा बेडरूम है, देखो यहाँ पर मेरे यहाँ पर गिटार रखे हैं, म्यूजिक है, बहुत कुछ है। और इधर मेरे कपड़े कबाड़ है, यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए मेरे पास में। और हाँ यार, कबाड़ यहाँ से याद आया यार, मेरे को तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि गांव से मेरा भाई आने वाला है, डब्बू आ रहा है यार, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अभी यहाँ पर। मैं ये सब मेरे गाँव वाले के लोगों को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर चोरी चकारी करता हूँ, यहाँ पर मर्डर करता हूँ, बट क्या करें, यहाँ पर मुसीबतों के साथ घिरा हुआ था तो ऐसा काम मुझे करना पड़ा। और अब मेरा भाई आएगा डुब्बू, यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है कैलिफोर्निया के अंदर, तो मैं अपने काम कैसे करूँगा, मेरे लिए तो मुसीबत बढ़ गई है, और क्या करूँ। और यार वो तो एयरपोर्ट पे आ चुका होगा यार, वो तो सुबह सुबह ही आ रहा था, मेरा इंतजार कर रहा होगा एयरपोर्ट पर, मुझे याद आया यार जल्दी ही जाना पड़ेगा मुझे यार, कपड़े चेंज करता हूँ मैं यार जल्दी फटाफट, यार मैं तो भूल ही गया था यार, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा भाई तो यार नाराज हो जाएगा यार। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ यार, बड़ी दिक्कत होने वाली है ना, मेरा भाई ना बड़ा नाराज हो जाएगा, वो बड़ा ही गुस्से वाला भाई है मेरा, छोटा है बट बहुत ही जल्दी नाराज हो जाता है यार। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, क्या करूँ यार, टोपी है, टोपी का क्या चार डालू यार मैं, हुडी से यार ये चल ग्रीन कलर की सही है, इसे पहन जाता हूँ यार। मास्क का क्या करना, पैंट्स दे रही जींस की है मेरे पास में, जींस की पैंट पहन ली यार, जूते उते कुछ नहीं है मैंने पास यार, इतना बड़ा अच्छा घर खरीदा है, कपड़े कुछ नहीं खरीदे, अब कपड़े भी लिख के आने पड़ेंगे अच्छे अच्छे से मेरे को यार। मेरा भाई आया तो उसके साथ ही शॉपिंग करूंगा, उसको घुमाना भी पड़ेगा यार शहर में आया तो यार। तो जल्दी से चलते भाई अपने भाई को लेने, मेरा डुब्बू भाई आया है, चलो भाई गाड़ी निकालो यार। और हाँ यार, पेट क्या नाम है चौप पे मेरे कुत्ते का नाम, यार तू घर का ख्याल रखना, घर पे कोई नहीं है ठीक है यार, खाना रखा हुआ है तू खाना खा लियो, मैं लेट हो जाऊंगा अपने भाई को लेने जा रहा हूँ ठीक है। चलो एयरपोर्ट पे चलते भाई जल्दी से, एयरपोर्ट में मेरा भाई आया हुआ है यार, चलो यार चलते हैं यार, मेरा भाई लेट हो गया होगा, बहुत देर से आया हुआ है यार, उसके फोन पे फोन आए जा रहे हैं यार, कहीं मेरा भाई यार डुब्बू परेशान ना हो जाए, जल्दी से निकलता हूँ, गुस्सा भी हो गया होगा, उसने तो मुझे सुबह सुबह 4-5 बजे आने के लिए बोला था यार एयरपोर्ट पे, मैं तो अभी तक गया भी नहीं, बेचारा खाया भी नहीं होगा कुछ, उसके पास में ज़्यादा पैसे भी नहीं है, गाँव से आया होगा तो थोड़ा बहुत ही खाना पैक करके लाया होगा, मुझे जल्दी ही जाना होगा यार, वो परेशान हो गया होगा यार, मैं भी यार कितना पागल हूँ, भूल गया हूँ बिल्कुल यार कि इतना छोटा सा मेरा भाई आ रहा है गांव से, और उसको यहाँ के बारे में यार, इस शहर के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, कैसे
डूब गया, परेशान हो गया होगा। भगवान यार उसके बारे में सोचना थोड़ा सा जल्दी, कृपा करना भगवान मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। और यार ये तो रोड पर ट्रैफिक भी मिल रहा है यार, मैं कैसे पहुंचूं जल्दी से जल्दी यार। ये यार जल्दी से हट जाओ यार, मैं लेट हो रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा यार। अब तो मेरा भाई ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है उसे पार्टी भी देनी पड़ेगी यार, वो पार्टी के बगैर नहीं मानेगा मेरा भाई यार। चल कोई नहीं यार, उसको पार्टी भी दे दूंगा, मगर उसका गुस्सा यार जायज़ है यार। मेरा भाई कितना बुद्धू है यार, अभी तक आया क्यों नहीं है? मैं यहाँ कितनी देर से यार एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो यहाँ भी भूख भी लग रही है, सुबह के आया हूँ अंधेरे में बिल्कुल ही, और मेरा भाई कितना बुद्धू अभी तक आया ही नहीं है। आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं यार, बहुत देर हो गई है उसको, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ के आए हुए लोग सब कब की कब चली गई कितनी देर से, और मैं यहाँ पर स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ मैं? देखो यार फोन में कितना टाइम हो गया है, 7:15 हो गए हैं और अभी तक उसका फोन भी नहीं है, ना कॉल उठा रहा है। आप तो मुझसे बचेगा नहीं। गोपी भैया तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो? मुझे तो डर लग रहा है कोई किडनैपर नहीं आ जाए, कहीं मुझको किडनैप करके ले जाए। मुझे तो लग रहा है कोई टैक्सी ही बुक करनी पड़ेगी मुझे घर जाने के लिए, क्या करूँ? वो तो अब तक आया नहीं है, टैक्सी ही बुक करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, टैक्सी बुक कर लेते हैं। चलो यार फोन निकालो, टैक्सी वाले को फोन करता हूँ मैं, ऊबर का नंबर निकालता हूँ। ऊबर यहाँ पर चलता भी है नहीं चलता, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है यहाँ का सिस्टम क्या है। अरे टैक्सी वाले भैया गाड़ी रोक ले, मुझे घर पे जाना है, मैं तो बहुत देर हो गई, भूख भी लगी हुई है, क्या करूं मैं, बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। ओ यार ये गाड़ी भी ना यार कैसे टकरा गई यार, मैं यार बड़ा परेशान हो गया, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना यार गाड़ी और टूट गई मेरी यार। और यार कितनी देर से डुब्बू वहां पर मेरा इंतजार कर रहा होगा यार, क्या करूँ यार, जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा डुब्बू के पास में यार, वरना मुझे बहुत ही लड़ेगा मेरे साथ में यार, क्या करूँ मेरा भाई यार, इतनी देर से जल्दी जल्दी से जाना मेरे को यार। और ये एयरपोर्ट कितनी दूर है, अभी तो बहुत दूर है, क्या करो यार। अरे यार जल्दी जल्दी से हटाओ गाड़ियों को यार, मेरा भाई एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। हट जाओ यार, ट्रैफिक से हटाओ गाड़ियों को, बिल्कुल ट्रैफिक क्लियर करो यार, मुझे जल्दी जाना है, प्लीज रास्ता दो मुझे। ओ यार मैंने तो गलत रास्ता ले लिया यार, मेरे को तो ऊपर वाले फ्लाईओवर से जाना था यार, अरे यार नीचे वाले रास्ते पे आ गया हूँ मैं तो यार, बिल्कुल ही यार बुद्धू हूँ यार बिल्कुल ही यार। यहाँ देख लो चेक कर लो कोई है तो नहीं मेरा भाई यहीं पे। डुगो यहाँ तो नहीं है यार, मुझे ऊपर वाले रास्ते से ही जाना था यार, गलती हो गई, फक यार। डुगो यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर से मेरी गाड़ी और टूट गई यार, अब तो गाड़ी की भी सर्विस करानी होगी यार, क्या करूँ। ये वाला रास्ता शायद डुब्बू के पास चला जा रहा है यार, फिर से गलत रास्ता ना पकड़ लिया हो मैंने यार, फिर से गलत रास्ता पकड़ लिया यार, मेरा दिमाग ना बिल्कुल चकरा रहा, कुछ काम नहीं कर रहा यार, क्या करूँ मैं, फिर से गलत रास्ते पे आ गया। चलो यही से मोड़ लेता हूँ, ये रास्ता भी एयरपोर्ट के लिए ही जा रहा है, चलो यार ठीक है।
सबसे पहले तो मुझे अपनी गाड़ी सही करवानी पड़ेगी, पूरी गाड़ी टूट गई यार इस डुगू के चक्कर में, जल्दी जल्दी गाड़ी पकाने के चक्कर में। डुगू मेरे भैया कहाँ हो तुम, डुगू मेरे भैया कहाँ हो तुम, डुगू जल्दी आओ कहाँ हो तुम। अरे डुगू तो नाराज हो गया है, डुगू जल्दी गाड़ी में बैठो, देखो मेरी गाड़ी टूट गई भैया, जल्दी सी बैठो। अरे भैया गाड़ी तोड़ दी तूने, तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ बाहर निकल कुत्ते, मेरी गाड़ी तोड़ दी तूने, वैसे ही गाड़ी टूटी पड़ी है। अरे यार यहाँ तो पुलिस वाले पीछे लग गए यार, पुलिस वाले पीछे लग गए यार, जल्दी जल्दी से भागो यार, डुगू जल्दी बैठो गाड़ी में भाई, पुलिस लग गई पीछे हमारे, जल्दी बैठो। चलो शुक्र है यार डुगू मान तो गया यार, बैठ तो गया गाड़ी में, बड़े गुस्सा हो गया था मेरा भैया यार, चलो यार पुलिस पीछे लग गई थी हमारे यार। डुगू भैया कैसे हो तुम यार, बड़े दिन बाद मिले हो तुम यार, बताओ बोलो यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल रही। मैं क्या बोलूं तुमसे, तुम तो इतनी देर बाद आए हो ना, मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया पता है ना तुम्हें, मैं सुबह तुम्हें फोन करके बोला था मैं 4 बजे आ जाऊंगा, तुम अब आ रहे हो 7:15 बज चुके हैं, इतना टाइम लगाते हैं कोई भैया। अरे भैया इसकी गाड़ी किसी ने छीन ली है, इसकी हेल्प करो ना भैया इस लड़की की। हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी यार, जल्दी सी भगाओ भैया, देखो वो गाड़ी इसकी भाड़ी लेके भाग गया है गुंडे, जल्दी भगाओ भैया गाड़ी को वो गुंडे। मैं इस वाले रास्ते से लेके चलता हूँ, उसको ऊपर से पकड़ लेंगे हम। हाँ भैया तुम्ही को पता होगा यहाँ के बारे में ज़्यादा, रास्ते के बारे में मुझे तो पता भी नहीं है, कौन सा रास्ते किधर जा रहा है ना, कुछ समझ नहीं आता, ये तो इंडिया से बिल्कुल अलग है ना भैया। अरे ये तो इधर से जा रहा है, ये लड़का यहाँ से निकलेगा, हाँ मैं इसकी गाड़ी में ठोक दूंगा यहाँ से, ये आ रहा ये आ रहा ये आ रहा, कहाँ जाएगा। अरे तुम तो मेरी गाड़ी को ही ठोक दिया, अरे डुगू तुमने तो मेरी गाड़ी वैसे ही टूटी पड़ी थी और गाड़ी को ठुकवा दिया। कोई नहीं भैया, किसी की तो मदद करनी होगी ना हमको, इस गुंडे को पकड़ के मारो ना भैया, मारो ना, तुम तो बहुत बॉडी बिल्डर बॉडी बना रखी है ना तुमने, तो इसको मारो गुंडे को पकड़ के। हाँ ठीक कहते हो तुम, ये तो फिर से भाग गया कुत्ता हरामी, जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे वो गाड़ी रुकी हुई है, चलो पकड़ लेता हूँ मैं उसको। अरे वो तो फिर से भाग गया कमीना, जल्दी गाड़ी में बैठो छोटू, जल्दी बैठो। हाँ भैया मैं बैठ गया, चलो जल्दी से भगाओ गाड़ी। अरे गाड़ी भी नहीं चल रही है मेरी, क्या करूँ, वो हरामी वहाँ भाग गया है, आगे से घेरो भैया इसको, आगे से घेरो भैया। अरे हाँ भैया घेर रहा हूँ मैं इसकी गाड़ी को, इसको पकड़ के मारेंगे बस हाथ आ जाए। ओ भाई तू कैसा है, उसकी गाड़ी को लेके भागा हूँ हरामी, हरामी कमीने। तुमने अच्छा करा भैया, अच्छा किया, इसको मारो, इसको गाड़ी से मारो, कीचड़ डालो भैया, इसके पास में बंदूक भी है देखो, मार दो इस हरामी को। मार दिया छोटू मैंने इसको, मार दिया देखो, बिल्कुल मार दिया है। इसके पास में कुछ है तो नहीं, देखते हैं जरा, कभी उस लड़की का पर्स भी लेके भागा हो ये, जरा देखते हैं छोटू, देखो इसके पास में कोई पर्स तो नहीं। नहीं भैया इसके पास कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता इसके पास कुछ है, देखो। चलो छोटू इस गाड़ी में बैठो, इसकी गाड़ी को छोड़ के आते हैं, मैं तो कहता हूँ इस गाड़ी को लेके भाग लेते हैं, हमारी गाड़ी तो वैसे भी टूट गई है छोटू, इसकी गाड़ी को लेके भाग लेते हैं घर पे। नहीं भैया ये तो गलत बात है, हमें उसकी गाड़ी लौटानी चाहिए, उस बेचारी लड़की की गाड़ी लौटानी चाहिए, आप तो बहुत ही गलत कर रहे हो,
हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, ज्यादा दूर नहीं है, लड़की ही भी है, इसकी गाड़ी को लौटा देते हैं हम। हाँ भैया सही कह रही हूँ, गाड़ी को लौटा दो। मगर हमारी गाड़ी भी तो टूटी हुई है, क्या करें, अब हमें अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी होगी। कोई नहीं भैया, हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लेंगे ना, वो गाड़ी तो हमसे ही टूटी है ना। मगर इसके गाड़ी में तो म्यूजिक ही बंद नहीं हो रहा। देखो हमें कितनी दूर जाना पड़ा तुम्हारी वजह से, तुमने हमारे लिए मुसीबत फिर से बढ़ा दी है। देखो हम गाड़ी उस लड़की तक छोड़ने जाएंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता भैया, किसी की तो मदद करनी चाहिए ना, मम्मी यही तो कहती है दूसरों की मदद करो। हाँ ये तो है। इसको कैसे बताऊं कि मैं भी तो कितनी गलत काम करता हूँ, किसी का मर्डर करता हूँ, किसी का खून करता हूँ। अगर जो डुब्बू को पता चल गया कि मैं मर्डर करता हूँ तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, अब मुझे अपने सारे काम ऐसे ही करने पड़ेंगे, इससे छुप के काम करने होंगे सारे मेरे को। लीजिए मैडम आपकी गाड़ी आ गई है, मैं ले आया हूँ आपकी गाड़ी मैडम। लीजिए मैडम आपकी गाड़ी, अब तो आप खुश हो मैडम, हम आपकी गाड़ी ले आए हैं। अरे मैडम थैंक यू तो बोल दो कम से कम। देखो डुब्बू तुम्हारे चक्कर में हमने इस लड़की की मदद करी है, मगर इस लड़की ने हमको थैंक यू नहीं किया, कहा कितनी सेल्फिश लोग हैं यहाँ पे, तुम जानते नहीं हो यहाँ पर गांव वाले जैसे लोग नहीं है बिल्कुल। हाँ भैया तुम सही कहते हो बिल्कुल ही, यहाँ पर तो बहुत ही अजीब ही लोग हैं, हमने उनकी मदद करे और उसने हमारे लिए कुछ थैंक यू तक नहीं बोला। सही कहते हो भैया तुम, हमें उसकी मदद करनी नहीं चाहिए थी। हाँ सही कह रहे हो। देखो टुकू बचो वहाँ से, गाड़ी तुम मार देगी, इधर आ जाओ साइड में, अब हमें टैक्सी करनी पड़ेगी यहाँ से, इधर आ जाओ थोड़ा जल्दी आओ, और हम घर के लिए लेट भी हो रहे हैं। मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी डुबो। अरे उबर का नंबर है इसमें या नहीं है, वरना दिक्कत हो जाएगी हमें। Hey, I need a cab. Not a problem. A driver's on the way. Cool. लोग मैंने गाड़ी बुक कर ली है उबर की, अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, अब हम जल्दी ही घर पर पहुंच जाएंगे, और हमारी गाड़ी तो रास्ते में ही ख़राब हो गई है, क्या करें अब हमें उबर, वो शायद गाड़ी आ रही है उबर, यही गाड़ी है इसमें ही बैठ के जाना होगा शायद, चलो जल्दी आ जाओ बैठ जाओ इसमें। हाँ कहाँ जाना है, मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ा जल्दी चलो भैया हम लेट हो रहे हैं। भैया इससे बोलो अपना म्यूजिक बंद कर ले, मुझे म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे डुब्बू तुम्हें नहीं पता ये म्यूजिक चलाता ही रहेगा, हम इसमें म्यूजिक नहीं बंद करा सकते क्योंकि ये गाड़ी हमारी नहीं है। चलो डुब्बू अब मैं टैक्सी वाले ने यहीं पर उतार दिया, कितना कमीना था, देखो यहाँ पर शहर के लोग यहाँ पर ऐसे ही है, हमें इतनी जल्दी यहाँ पर उतार दिया, हमारा घर यहीं पे दूर ही पर ही है, क्या करें इतनी जल्दी उतार दिया ना। सही कहते हो भैया, इतनी जल्दी उतार दिया, यहाँ पे घर के पास उतार देते तो क्या बिगड़ जाता है उसका, देखो कितनी दूर हमें पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ तुम सही कहते हो, यहाँ के लोग बिल्कुल ही बेकार हैं यहाँ के लोग। चलो कोई बात नहीं हम घर पे पहुँच ही गए, अब कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया हमारा घर, अब तुम थोड़ा तेज चलो, बहुत आराम से चल रहे हो डुगू तुम, ऐसे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे घर पे, आओ मेरे साथ साथ आओ। मुझे लगता है तुम थक गए हो बिल्कुल ही डुगू ना। हाँ भैया तुम सही कहते हो, मैं थक गया हूँ बिल्कुल ही।
चलो डुगो, ये आ गया है हमारा घर, जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे। भैया ये क्या हमारा घर है? इतना बड़ा घर हमारे पास में कहाँ से आ गया है ये? भैया इतना बड़ा घर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भैया तुमने यहाँ पर इतनी दूर आकर इतना बड़ा घर ले लिया हाँ, और देखो ये तो बहुत बड़ा घर है भैया, तुमने कैसे ले लिया? तुम क्या इतना पैसा कमाते हो यहाँ पर? और मम्मी को जब घर पे तुम पैसा भेजते हो, बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते हो हाँ, कहाँ से आया इतना भैया? भैया पैसा, मैं इस घर को देखना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा घर है भैया ये तो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है भैया यहाँ पे रह के। ये सारा हमारा घर है क्या गोपी? भैया मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं स्विमिंग पूल में नीचे नहा सकता हूँ क्या? भैया बोलो ना, बोलो भैया मैं नहा सकता हूँ? अरे हाँ नहा सकते हो डुगू, ये अपना ही घर है, अपना ही घर समझो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम आराम से नहाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ तुम घर पर आराम से अंदर आराम कर लो और जो कुछ खाना है खा लो, मैं यहाँ पर कुछ देर ठहरूँगा, तुम जाके घर को देख लो अच्छे से और फिर हम आराम से घूमने चलेंगे, बाहर शहर करने चलेंगे, जंगल घूमने जाएंगे और हम मेले में भी घूमने जाएंगे, जाओ तुम आराम से आराम कर लो। ठीक है भैया, मैं यहाँ पे अभी घर को देख लेता हूँ, पहले मैं स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है जाओ। भैया ये आपके पेड़ इतने बड़े बड़े कैसे टूटे हुए? देखो यहाँ पर कितने, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, देखो पेड़ का गमला कैसे लुढ़का हुआ है, देखो कोई देखता भी नहीं है घर को। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, गोपी भैया ने इतना पैसा कैसे कमा, कितना अच्छा बड़ा घर ले लिया है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा इंटीरियर भी है, और ये पिज्जा का डिब्बा किसने रखा हुआ है यहाँ पे? मेरा भी पिज्जा खाने का मन है भैया, आज भैया से पिज्जा मंगवाऊंगा, मैं भी पिज्जा खाऊंगा। और ये लैपटॉप इतना प्यारा, ये तो एप्पल का लैपटॉप है, ये तो मुझे भी चाहिए। और यहाँ पर क्या संतरे रखे हुए खाने के लिए, एप्पल भी है, और इतना बड़ा टीवी है सामने, मुझे तो मजे आएंगे यहाँ पर कार्टून देखने में, बड़ा मजा आएगा, जरा देखो चला के कार्टून कैसे चलता है यहाँ पे, और इतने अच्छे अच्छे रेड कलर के सोफे भी है यहाँ पे, और ये क्या टेबल पर सिगरेट? अरे गोपी भैया सिगरेट भी पीते हैं क्या यहाँ पे? और ये कैसी गंदी गंदी किताबें रखी हुई है भैया ने, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इतना बड़ा टीवी मिल गया है कार्टून देखने के लिए, जरा चला के तो देखो क्या चलता है इसमें। चलो कार्टून तो बाद में देखूंगा, पहले घर देख लेता हूँ एक बार पूरा। अरे भैया यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बोतलें भी रखी हुई है, भाई तो बड़े अच्छे अच्छे शौक रखते हैं। वो भैया ये तो म्यूजिक बहुत बड़ा भी है यहाँ पे तो, और इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग लगाई हुई है, ये तो बड़ा ही अच्छा घर है, मेरा तो मजे आ जाएंगे इतने बड़े घर में। और भैया इतना बड़ा घर है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा किधर जाऊँ किधर नहीं, मैं तो रास्ता ही भूलने जा रहा हूँ बार बार यहाँ पे। अरे भैया किधर को जाना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, स्विमिंग पूल जाने के लिए कहाँ से जाऊँ, मेरे को स्विमिंग पूल में नहाना है, क्या करूँ? अरे कोई मुझे रास्ता बताएगा नीचे जाने के लिए, कहाँ से रास्ता है भैया? यहाँ से मुझे तो नहीं लगता कोई रास्ता है, बाहर ही जाके जाना पड़ेगा मुझको स्विमिंग पूल के लिए, बहुत गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैं स्विमिंग पूल में नहा के आता हूँ। और भैया तो रनिंग कर रहे हैं, लगता है जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज, गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सरसाइज करो गोपी भैया, मैं तब तक नीचे होके आता हूँ। अरे वाह भाई वाह, यहाँ पर तो एक छोटा स्विमिंग पूल भी है, अच्छा इसमें गर्म पानी है, उबल रहा है, जरा चेक करके देखूँ।
अरे अरे ये तो गर्म पानी, अरे मैं तो जल गया बाहर निकला यार, मैं तो जल गया, अरे मुझे जल गया, क्या करूँ मैं तो जल गया गोपी भैया, जल गया मैं तो, अब ठंडे पानी में जाता हूँ सबसे पहले मैं ठंडे पानी में। अरे वाह भाई वो, अरे गाँव में तो यार नदियों में नहाता था मैं, अरे यहाँ पर तो मजे आ जाएंगे, इतना समुंदर जैसा नीला पानी है बिल्कुल साफ साफ ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई, वाह भाई वाह। अरे गोपी भैया भाई, वो तो ऐसा हो यार, क्या भैया कितना बड़ा घर ले रखा है, अरे भाई बाहर कैसे निकलूँ मैं, अरे निकल गया, अरे कपड़े सारे गीले हो गए भैया, गोपी भैया सारे कपड़े गीले हो गए, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक और डुबकी मार लेता हूँ यार, मजा आ गया भाई मजा आ गया, थोड़ी सांस रोकता हूँ पानी के अंदर, मजा आ रहा है भाई यार। और यार ये तो शहर बहुत ही अच्छा है यार, कितना बढ़िया शहर है यार, अरे यार ये तो बहुत गहरा है यार, क्या करूँ डूब जाता हूँ मैं तो। चलो यार बहुत नहा लिया यार, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ यार, यार अंदर जाने का रास्ता कहाँ पे है, ये इधर से रास्ता है। अरे वाह भाई वाह, क्या बेडरूम है यार गोपी भैया का यार, अब तो मैं सोऊंगा यहाँ पर यार मज़े से, क्या गद्देदार वो है बेड यार, मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पर सोने में। और गिटार भी है यहाँ पे तो यार, गिटार म्यूजिक, और यहाँ पे यार म्यूजिक तो ऊपर भी रखा हुआ, नीचे भी, और नीचे उतर जा कहाँ चढ़ रहा है डिगू यार तू। और यार ये कपड़ों का कवर है यार, कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है यार भैया के पास में यार, बढ़िया है बढ़िया है।